नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे पास है बजाज डोमिनार 250 BS6 मॉडल। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या इसकी ऑन रोड प्राइसिंग रहने वाली है, कितना गाड़ी की माइलेज रहने वाली है, आपको 2021 में इसको बाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस रेट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्या कुछ आपको ऑफर्स और डिस्काउंट देने को मिल सकते हैं, इस रेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने सारी वीडियो का उनको लेटेस्ट अपडेट देने को मिलते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर बात करें इस बाइक के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, 250cc में बहुत अच्छे को पैकेज देखने को मिल जाती है बजाज कंपनी तरफ से। 250cc में इसे कोई भी कंपटीशन नहीं है। आप लुक देख सकते हैं, फ्रंट से आपको बहुत ही हैवी लुक दिया गया है। आपको लुक वाइज कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। लुक वाइज आपको गाड़ी देखने में साइड से भी देख सकते हैं, बैक से भी देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही सही लगेगी। आप बैक से लुक देख लीजिए, साइड से लुक देख लीजिए। 250 यहाँ बैचिंग की हुई है क्रोम फिनिश से, देखने में बहुत ही सही लगता है। आपको फ्रंट से भी लुक देख सकते हैं, टैंक इसका बहुत ही हैवी लुक प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि आपको इसमें 250cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको अच्छे खासे पावर फिगर्स भी प्रोड्यूस कर देता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में। आप बाकी गाड़ी का लुक देख सकते हैं, देखने में गाड़ी बहुत ही शानदार लगती है। डोमिनार की बैचिंग देख सकते हैं टैंक पे। और अगर बाइक के फ्रंट से बात कर लें, तो मैं आपको बता दूं, आपको फ्रंट में 300mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। आपको डुअल चैनल एबीएस ऑफर किया जाता है कंपनी तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है। 100x80 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, देख सकते हैं। एलॉय की डिजाइनिंग देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ USD फोक्स आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और आपको इसमें फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, और आपको साइड्स के इंडिकेटर्स भी रहने वाले हैं, वो भी आपके LED रहने वाले हैं। मैं आपको पूरा सेटअप चेकआउट करा दूंगा वीडियो में, पूरा आप लोग एंड तक बनी रहेगा। बाकी आप फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं, देखने में गाड़ी बहुत सही लगती है। आपको फ्रंट से बिल्कुल इसमें एकदम हैवी लुक प्रोवाइड किया गया है, ताकि गाड़ी थोड़ी अग्रेसिव लगे, देखने में अच्छी लगे लोगों को, जो कि एक अच्छी बात है। बजाज ने इसमें लुक वाइज आपको कोई कमी देखने को नहीं मिल जाएगी। लुक वाइज गाड़ी को शानदार बनाया गया, देख सकते हैं। ये रेड कलर चेकआउट कर सकते हैं, देखने में बहुत ही सही लगता है। बाकी आप साइड पैनल से देख सकते हैं डोमिनार की जो बैचिंग की गई है, और आप देख सकते हैं साइड से गाड़ी का लुक। आपको इसमें अच्छे खासे फीचर्स ऑफर कर दिए जाते हैं कंपनी तरफ से, आपको फीचर्स वाइज कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, जो कि बहुत ही सही रहने वाला है। आपको इसमें 6-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि साथ में बहुत अच्छी बात है। आपको 6-speed गियर वाइज कोई आपको कमी महसूस देखने को नहीं मिलने वाली है। उसे बात कर लें, 248.7cc का आपको इसमें सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल ट्विन स्पार्क FI इंजन देखने को मिल जाता है। आपका ये BS6 कंप्लायंट इंजन रहने वाला है। 27 PS की आपको पावर देखने को मिल जाती है। 23.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। पावर फिगर्स वाइज भी गाड़ी अच्छा खासा आपको पावर प्रोड्यूस करके दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पावर वाइज कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप साइड से पैनल चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बैक में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी आपको गाड़ी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, आपको कहीं भी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें इस गाड़ी के बारे में। तो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। आपको टाइमिंग, स्पीडोमीटर यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको यहाँ भी बैचिंग देखने को मिल जाती है। आपको ABS की ब्लिंकिंग देखने को मिल जाती है, बजाज की कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको मैं हैंडल बार भी चेकआउट करा दे। जो लाइटिंग सेटअप यहाँ देखने को मिल जाता है, जो आपको लाइट्स देखने को मिलते हैं बटन्स पे, वो एक अच्छी बात है। नाइट विजन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्विचेस दिए गए हैं, जिससे कि आप ट्रिप, ऑडोमीटर रीसेट और सेट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। 2 ट्रिप देखने को मिल जाता है और ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी आपको बीच में स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टाइमिंग, फ्यूल गेज मीटर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लगभग देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। बाकी आप साइड्स के इंडिकेटर चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, आपको ये LED वाले इंडिकेटर देखने को मिलने वाले हैं। नाइट विजन को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देने को मिलेगा। बाकी आप इसका हेडलैम्प चेकआउट कर सकते हैं, मैं अभी आपका और दिखा देता हूँ। इसका हेडलैम्प का बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, मैं आपको हेडलैम्प भी चेकआउट करा दूंगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूल टैंक पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी का देख सकते हैं टेम्परेचर, और आपको जो बजाज की साइन देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। बाकी आप स्विच देख सकते हैं, स्विच की क्वालिटी जो है, स्विच की जो मटेरियल है, वो अच्छी है। बाकी आप इसका हाई बीम का रिस्पॉन्स चेकआउट कर सकते हैं। आपको अच्छा हाई बीम कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है अपने बाइक में। तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बोला था लाइटिंग सेटअप भी चेकआउट करा दूंगा। देख सकते हैं लाइटिंग सेटअप देखने में बहुत अच्छा लगता है, और आपको अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिलने वाला है। और आप बाइक का बैक से टेल लैम्प चेक कर सकते हैं। नाइट विजन में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिलने वाला है। नाइट विजन में गाड़ी देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग लगेगी। आप देख सकते हैं बैक से इसका टेल लैम्प पूरा आपको LED सेटअप कंपनी ऑफर करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है। उसके बाद अगर बात कर लें राइट साइड के पैनल की बात कर लें, तो बाकी आपको मैं राइट साइड से भी दिखा देता हूँ गाड़ी के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग दे दी गई है। DTSI इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। इंजन गार्ड भी आपका लगा हुआ है साथ में, देख सकते हैं। और आपको दिखा देता हूँ बैक से भी गाड़ी को, आपको बैक में भी आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाती है, उसका यहाँ पे रखा गया है कूलिंग सिस्टम, जो कि आप अच्छी बात रहने वाली है। आप बिल्कुल इसे चेकआउट कर सकते हैं। और बात कर लें बैक से गाड़ी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ,
130x70 17 इंच आपको बैक में अलॉय देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपके ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं। 130mm आपको अच्छी खासी ब्रेथ देखने को मिल जाती है। बाकी आप बैक का डिस्क चेकआउट कर सकते हैं, आपको 230mm का बैक में डिस्क देखने को मिल जाता है। गाड़ी आपको डुअल चैनल एलईडी देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। जो बैक में आपको 130mm का टायर देखने को मिलता है, रोड पर आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रिप बिल्कुल प्रोवाइड करे। बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है विथ नाइट्रॉक्स, जो कि आपको बिल्कुल अच्छी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। आप कंफर्टेबल राइड बिल्कुल इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। आप बैक से इसका देख सकते हैं, और इसका आप देख सकते हैं डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। डुअल मफलर एग्जॉस्ट बोल लीजिए, डुअल बैरल एग्जॉस्ट बोल लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल डिजाइनिंग की गई है। जो साउंड वाइज भी गाड़ी आपको बहुत अच्छा एग्जॉस्ट की साउंड नोट्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मैं आपको एक वीडियो में चेकआउट करा दूंगा इसके साउंड नोट्स भी, तो चैनल को हमारे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और बात करें इस बाइक के बारे में, तो आपको मैंने टोटल इसके पॉइंट्स चेकआउट कराए दिए। देख सकते हैं साइड्स में रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, और आपको मैं एक बार गाड़ी का बैक से भी लुक चेकआउट करा देता हूँ। देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्टर में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप बैक पे भी देख सकते हैं, टेल पे भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। बाकी आपको मैं सीट्स भी चेकआउट करा देता हूँ। आपको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप बैक से इसका ले सकते हैं। जो आपको बैक में हैंडल देखने को मिलता है, जो आप बैक में ग्रैब हैंडल बोल सकते हैं, वो भी आपको अच्छे शेप के देखने को मिल जाते हैं, स्प्लिट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल 250cc में बहुत अच्छा पैकेज आपको डोमिनार प्रोवाइड करती है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। उसके बाद अगर प्राइसिंग की बात कर लें, तो लगभग इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है 190,000 अप्रॉक्स रहने वाली है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दे देता हूँ, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वैडन के शोरूम से, वैडन मध्य प्रदेश के शोरूम में आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं, फाइनेंस सारी सुविधाएँ यहाँ अवेलेबल हैं, आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं। आपको कुछ बिल्कुल ऑफर्स भी देखने को मिल सकते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो आप बिल्कुल आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शोरूम में और ऑफर की जानकारी ले सकते हैं। और 2021 में आप बिल्कुल गाड़ी सजा सकते हैं। अगर आपको एक यूनिक सा लुक चाहिए, आपको अच्छे खासे पावर फिगर्स चाहिए, और आपको गाड़ी अच्छी माइलेज भी निकाल के दे, लगभग आपको 35-40 km तक की माइलेज निकाल के दे सकती है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी से जा सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल गाड़ी आपको बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है, लगभग आपको 2 लाख के अंदर अंदर देखने को मिल जाती है ऑन रोड, और आपको 2500cc इंजन, 27 PS की पावर फिगर्स भी गाड़ी अच्छी रहने वाली है। तो पूरा ये RS को टक्कर देते हुए गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा पावर फिगर्स चाहिए, तो आप बिल्कुल इस गाड़ी से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल वीडियो डोमिनार 250 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सबके लिए और भी ऐसे वीडियो लेके आता रहूं। और अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन हमसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें।